मिंग चेंगहुआ के दौर में जब पश्चिम क्षेत्र की स्थापना हुई, उन्होंने लोगों को भर्ती करना शुरू किया। बड़े बड़े व्यापारों से लेकर छोटे दुकानों तक पूरे देश भर में उन्हीं का राज्य था, जिसमें शांजी का हमारा छोटा सा शहर झैने भी शामिल था। बदकिस्मती से हमारे हो के सैनिकों को भी उन्होंने भर्ती करवा के कब्जे में कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक ना एक दिन हर चीज का अंत होता है। हम भाई जैसे रहते थे। मैंने तुम्हें मेरे सगे भाई से भी बढ़कर प्यार दिया। मैंने भी आपको हमेशा एक बड़े भाई की तरह माना है। जब वक्त मिले तो जरूर आना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, मुझे भी। निराश नहीं होते, चलो पीते हैं। आए बस एक आखिरी प्याला तुम्हारे साथ। इतने सालों बाद भी हमारे व्यापारी सैनिक अभी भी तुम्हारे पास हैं, इसका क्या करें? चिंता मत करो भाई, ये सब मैं देख लूंगा। ये देखिए, मैंने इसकी अच्छी जांच पड़ताल की है, सब ठीक ठाक है। तुम कितने वफादार हो। ये मेरा काम है, मेरा काम है। बस एक ही? और क्या, क्या तुम अपने भाई पर भरोसा नहीं करते? भाई, क्या तुम सच में जा रहे हो? अगर हमें पश्चिम क्षेत्र पर काम करते रहना है तो मुझे जाना होगा। चलता हूं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। साहब, ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मार दो। जी साहब। अपना सामान बांधो, हमें जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? हु के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर मैं जा रहा हूं तो उन्होंने मेरे पैसे काटने चाहिए थे, उन्होंने मुझे डांटना चाहिए था। ऐसा ना करके वो मुस्कुरा रहे थे, जरूर दाल में कुछ काला है। जल्दी। चलो जल्दी उठो, हमें निकलना है। चलो ये कपड़े पहन लो, जल्दी करो। ये लो बेटा, लकड़ी का कछुआ। तुम्हें अच्छा लगा? जी हाँ। ये छोटा सा कछुआ मैंने बनाया, इसे अपने साथ रखना, वो किस्मत बदल देगा। इसे कभी भी अपने से जुदा मत होने देना, इसकी सुरक्षा करना, समझ गए? ये तुम्हारी रक्षा करेगा जब तुम मुसीबत में रहोगे, समझ गए? अब ध्यान से सुनो, हमें ये जगह अभी इसी वक्त छोड़नी पड़ेगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हमें बीच रास्ते में कुछ हो गया या फिर हम बिछड़ गए तो इसे लेकर जैनन शहर ले जाना, पश्चिमी सैनिकों को देकर मासी को ढूंढना, ठीक है? क्या तुमने जाओ मासी को देखा है? हाँ, देखा है। पापा की बात याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। देखो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे तो
तो ईमानदार और बहादुर बनना, समझ गए? चलो पीछे के दरवाजे से जल्दी। पीछे हटो, पीछे। भागो, संभल कर। मेरे पास बताना। पश्चिम क्षेत्र में आओगी, बताओ मुझे। हमारे व्यापारी सैनिकों का एक ही मकसद था, लोगों को बचाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथों में कितने लोगों का खून है पता है तुम्हें? कोई और चारा नहीं था, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मार दो। सब कुछ नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला। पिता
पिताजी। साहब मूटोंग की बीवी के पास नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पापा जरूरी सामान कहाँ रखते थे? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ दिया था? चलो मुझे दिखा दो। पकड़ो उसे। इस बच्चे को मार डालो। जी हाँ। जल्दी हिलना मत, वो वहां है, उसे छोड़ना मत। ठीक 5 बजे सूरज निकलेगा तो जल्दी सोकर जल्दी उठ जाना ताकि पूरे दिन स्वस्थ रह सको। ठीक 5 बजे सूरज निकलेगा तो जल्दी सोकर जल्दी उठ जाना ताकि पूरे दिन स्वस्थ रह सको। हाँ तो बताओ ये जो आप अच्छी हूँ बहुत अच्छी है, एक बार लो तो। आप कहाँ जा रही हैं? अब यहाँ आई, एकदम मजेदार चीज है, खरीद लीजिए, आप ही के काम आएगा। अरे खरीद लीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? तुम परेशान मत हो। अरे भाई साहब एक बजे आओ। अरे नहीं चलो, नहीं नहीं आप कम खाओ। देखो नहीं 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 मुमकिन नहीं। अरे भाई साहब ये भाई साहब कहाँ रहते? अच्छा अच्छा इधर आइए खरीदिए। क्या पता किसका बच्चा है? ऐसा बच्चा है ये? एक बार खाइए तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको। खाइए खाइए आ जाइए। तुम कहां से आए हो बच्चे? ए हटो। अब निकलो यहां से। कितनी आलसी हो, तुम्हारा सर फोड़ने का मन करता है। चालाक मत बनो, सबके जूते साफ करवाऊंगी। कौन है? वही छोटा भिखारी होगा। हाँ, मैं उसे लेकर आता हूं। वो कहाँ गया? क्या है ये? दूर जाओ मुझसे। हटो, दूर जाओ मुझसे। छोड़ो। हटो जाओ, आखिर तुम हो कौन? अरे छोड़, जल्दी रुक जाओ। मुशाओ तुम?
जाओ मासी। तुम्हारे पापा कहाँ है? तुम्हारे माँ पापा दोनों नहीं रहे? तो पापा ने मुझसे मिलने कहा? आओ, शाओ मासी का घर अपना घर समझो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रोना बंद कीजिए, रोते हुए तुम अच्छी नहीं लग रही। आखिर क्या बात है? क्या वो छोटा बच्चा आपको परेशान करता है? तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुमने उसको छुआ भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे तुम? उस बच्चे के पिताजी मेरे बड़े भाई मुटोंग थे। मैं उन्हीं के साथ पली बड़ी हूँ। बहुत सी चीजें हमने साथ में सीखी है। हालांकि हम एक परिवार नहीं है, पर फिर भी वो मेरा परिवार है। उसका बेटा मतलब मेरा बेटा, समझे तुम? समझ गया। मैं उस बच्चे के सोने का इंतजाम करता हूँ। सैनिकों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। वो बच्चा अलग है, उसे अच्छे से सिखाना। अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जी जी। लो, ये लो। इधर आओ, अपने दोनों हाथों के साथ नीचे कसकर पकड़ना। हाँ चलो जल्दी पकड़ो। एक, दो, तीन, चार, पांच। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, यही आया था हमारे पास कुंग फू सीखने। आओ, शाओ मासी ने तुम्हारे लिए गुरु ढूंढ लिया है। आज से तुम इन्हीं के साथ पढ़ाई करोगे। पर मुझे नहीं सीखना। लेकिन क्यों? मुझे कुंग फू सीखना है। पहले पढ़ाई करो, कुंग फू बड़े होकर सीखना। मैं बदला लूंगा, पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे कुंग फू सिखाओ। मैं नहीं सिखाऊंगी, पहले तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी होगी। आप नहीं तो ये लोग सिखाएंगे। हाँ? देखा तुमने, यही सीखना चाहते हो ना तुम? सैनिक फौज में शामिल होने के लिए तो ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। लेकिन तुम्हें भी मार खाना होगा, इन्हीं लोगों की तरह। फिर शायद तुम इस जगह से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अगर तुम बदला लेना चाहते हो और जिंदा बाहर आना है तो दिमाग लगाना होगा।
तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, रणनीति के तरीके सीखने होंगे और उसका अभ्यास भी। समझ गए तुम? तुम्हें अपने दिमाग को होशियार बनाना होगा अगर तुम्हें कुंफू में माहिर होना है तो। फैसला तुम्हारा। ये देव, हम जैसे गुरु लोग हमारा एक छोटा नाम होता है। मैं तुम्हें ये दे बुलाऊंगा। ये दे इसका मतलब क्या है गुरुजी? ये तुम्हारी मासी ने नाम रखा है, मैंने नहीं। वो चाहती है कि तुम उनका एहसान जो है वो अपने स्वभाव से लौटाओ। ये देखो, अब मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। ये याद रखना, एक नेक दिल का, दिल से नेक होना, लोगों से प्यार से पेश आना, दुखी लोगों पर दया करना, यही इंसान को इंसान बनाता है। नहीं सिखाया, कहां से सीखे तुम? तुमने मेरी कुंफू की किताब पढ़ी? पर मासी, हमारे पास तो ज्यादा किताबें ही नहीं है। यही ये किताबें जो मुझे दिलचस्प लगी, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। पर मासी, तुम नहीं चाहती कि मैं ताकतवर बनूं? कुंफू में जीत की चिंता करना मना है। आगे से किताब को हाथ मत लगाना। माफ करना। जाओ, तुम्हें तुम्हारी सजा पता है ना? ठीक है। चलो, ये हो गया। ऐसा लगा महाशय, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, हमारी काफी कमाई हुई है और पैसों के लिए बस 3 महीने इंतजार करना होगा। उन पैसों से हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जरा जल्दी करो। जल्दी? वो कैसे? और लोगों को लगाओ। साहब, अब आप आराम कीजिए। तुम कौन हो? मदद करो, कोई मदद करो, बचाओ 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 मुझे। अरे अंदर क्या चल रहा है? क्यों हल्ला मचा है? खोलो दरवाजा। क्या
बचाओ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? किसी को मार रहा है? अरे क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। वो मुझे दे दो। मुझे वो दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बचाओ। अरे भगवान, अरे रुक जाइए, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा मैं। बताइए क्या चाहिए आपको? हमारी जान बख्श दो। मुझे तुम्हारा खाता बुक चाहिए। अरे भागो, 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 बचाओ। पकड़ो, पकड़ लो उसे। कहाँ भाग रहे हो तू? कहाँ है खाता बुक? मेरे कक्ष में। चलो। जल्दी। ये लो। अरे ये क्या है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। पैसे, पैसे आ रहे हैं। मैं सपने नहीं देख रहा ना। कहीं मैं सपना नहीं देख रहा? ये सपना नहीं है ना? चांदी का पैसा। पैसे, पैसे कैसे आ गए? पैसे, इतने सारे पैसे। भगवान, अरे तो भगवान है। भगवान, अरे भगवान, शुक्रिया पैसों के लिए भगवान। साहब बहुत खूब। आज के लिए क्या है? कल रात सरकारी कार्यालय में चोरी हुई थी, क्या आपको वहां पर जाना है? ये एक सरकारी मामला है, हम क्या करें इसका? कल रात जहां चोरी हुई वो भी सरकारी है। हाँ? हाँ?
आप लोगों को मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठता तो हमें ये पैसा कभी हाथ नहीं लगता। आखिरकार मिल ही गया। सुनो, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये देखो पैसे। वाह, इतने सारे पैसे। ए लड़के, तुम इसे हाथ मत लगाओ। क्या तुम्हें ये सच में मिला? और क्या, हम लोगों ने ये सारा पैसा ढूंढा है। मुझे भी चाहिए थोड़ा। अगर हमें रोज पैसे मिलते रहे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चार आने के लिए रोज का झगड़ना और जो मैं कमाता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा हमें अभी मिल रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि वो कछुए वाले भगवान हमें अमीर कैसे बनाएंगे। कछुए वाले भगवान? तो तुम किस भगवान के बारे में बात कर रहे थे? कछुए वाला? तुम्हें नहीं पता, हाल ही में शहर के सारे लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये भगवान भ्रष्टाचार करने वालों को सजा देता है। कहते हैं उसके पास एक खास जादू है जिससे वो सरकार से पैसे निकलवाता है बिना किसी के मदद लिए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर वो कछुआ ये सारा पैसा गरीबों में बांट देता है। ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें और भी कुछ बताता हूँ, बस कल सुबह मेरे साथ आना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं नहीं आ सकता, मासी जाओ ने मुझे झाड़ू मारने की सजा दी है। फिर तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। अरे सुनो, हेलो मत। हाँ, मरे नहीं है, इसे जगाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 अभी। हाँ? मैं जमीन पर क्यों सो रहा था? मेरे कमरे में आने की तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की? चलो बाहर जाओ। साहब, वो दरअसल हम नहीं थे। क्या आपको याद है कल रात यहाँ क्या हुआ था? कल रात को तो मुझे नींद अच्छी आई थी। कल रात को क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं। साहब, यहाँ पर देखो राख है, लगता है चोर ने जरूर कोई सुराग छोड़ रखा है। अरे ये क्या, मैं जमीन पर क्या कर रही हूँ, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? ये कितनी शर्म की बात है। मुझे जमीन पर इतनी अच्छी नींद कैसे आ सकती है? मुझे तुम सब शक के दायरे में हो। साहब, क्या आपको इसके पहले हुए दो मामले याद है ना? शहर के सबसे अमीर घरों में चोरी हुई है। लोगों का मानना है कि ये कछुआ देव का किया गरा है। ये वही है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए पैसे लेता है और सड़कों पर लोगों को बांट देता है। ऐसा ही कुछ। साहब, आपका घर तीसरा है। क्या मेरे चेहरे पर कछुआ है? हाँ, मेरी तिजोरी। अरे सुनिए, ये सब खत्म हो गया। इन तीनों मामलों में गरीबों के लिए अमीरों को लूटा है। ये सारे लोग खानदानी अमीर थे, वो या तो सरकारी नौकरी वाले थे या पैसे वाले। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो इन लोगों के चेहरे पे कछुए की तस्वीर क्यों बनाएगा? ये तो जाहिर है ये वो भगवान नहीं है। देखो इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, कछुआ एक आंख खा रहा है, वो कुछ तो जरूर बताना चाहता है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, वो क्या बताना चाह रहा है मुझे नहीं पता। और हम ये देखने के बजाय बल्कि हम उसे पकड़ के ला सकते हैं। ये इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें शक है तो खुद ही देख लो। हाँ,
अरे तुमने सुना उसके बारे में? और एक चोरी हुई है। ये सही हो रहा है ना? अच्छा, हमें थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं। हाँ, अभी तो मैं अपना कर्ज कल फिर आइएगा। तो आज मैंने सबको वादा किया कि सबको दवाइयाँ मिलेंगी। कछुआ भगवान ने ये सब हमारे दरवाजे पर लाकर रख दिया। हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। इन पैसों के लिए शुक्रिया, नहीं तो हमारे लोग बीमारी से मर जाते। उन जालिम लोगों ने जो लोग बीमार थे उन सभी को निकाल दिया। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? गलत है ये बात। शुक्र है हमारे साथ कछुआ भगवान है। सही कहा, सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हाँ, हाँ, हमें, क्या हमें उनकी स्थापना करें? क्या पूजा कर सकते हैं? चलो यहाँ से, बैठो यहाँ। मासी जाओ, ये क्या कर रही हैं आप? बताओ, तुमने तुम्हारे पापा को क्या वादा किया था? चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहना है, और जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम ताकतवर बन जाओ। तो फिर तुमने अपने पापा का कहा माना? मासी जाओ, मैंने क्या कर दिया? दक्षिण के रिचमैन गुओ का मामला, उसके घर पे चोरी हुई, और कल रात सरकारी कर्मचारी की तिजोरी, क्या तुमने ये सब किया? लगता है तुमसे कुछ छुपता नहीं है। मजाक मत करो। मासी जाओ, तुम आखिर मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? अमीरों से लेकर गरीबों को देना यही आपने सिखाया ना? वैसे ये बताओ, आप भी यही करती है ना? मैंने तुम्हें निशान छोड़ना सिखाया? बाकी लोग कछुए के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ। वो कछुए का निशान तुम अपने दुश्मनों के लिए छोड़ते हो। कछुए को आंख खाते हुए बनाया ताकि वो चिढ़कर तुम्हें पकड़ सके। जी, मैंने इसलिए किया ताकि वो हू का बच्चा बाहर आए, मुझे उससे बदला लेना है। क्या तुम जानते हो, निशान छोड़ने से बड़ी मुसीबत आ सकती है। इससे खुद पर रोशनी डाल रहे हो और वो अंधेरे में देख पा रहे हैं। इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, क्या उसका कुछ मोल नहीं? मुझे ये दे देना। हाँ, चलो चलो चलो, निकलो। एक बार आइए, देख लीजिए। आइए आइए, चाय पीजिए, गर्मा गर्म कड़ाकेदार चाय। चलो निकलो। साहब, हमें बताइए आज की योजना क्या है? कछुए के बारे में शहर भर में चर्चा चल रही है। जिस किसी के घर में कछुए हो उन्हें कर चुकाना पड़ेगा, और जिनके पास चुराए हुए पैसे मिलेंगे उनको भी सजा दी जाएगी। जिनके पास वो पैसे मिलेंगे उन्हें कछुआ भगवान का साथी मानकर सजा दी जाएगी। समझ गए क्या आप लोग? समझ गए? जी समझ गए। चलो भागो, भागो। साहब, हमें बहुत सारे पैसे मिले आज। साहब, बहुत देर हो गई है, कोई खबर है? जी साहब, देखिए साहब, ये तस्वीर बिल्कुल उनके चेहरे जैसी है जैसे वो दिखते हैं। ये सारी तस्वीरें वैसी ही है। कछुआ आंख खा रहा है।
साहब, मुझे लगता है ये चोर हमें कुछ बताना चाहता है। लेकिन क्या बताना चाहता है, क्या चाहता है बताओ मुझे। ये मुझे अब तक नतीजा नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये निशान लोगों तक फैलाना होगा ताकि लोगों को ये समझ में आए। क्या तुम ये करना चाहते हो? साहब, मुझे लगता है हमें इस पर रोशनी डालनी चाहिए ताकि उसे पकड़ना आसान हो। तो तुम्हारा मतलब है हम इस तस्वीर को पूरे शहर में लगा देंगे और लोगों को कहेंगे कि पश्चिम क्षेत्र के लोग निकम्मे हैं? मैंने ये सोचा ही नहीं। हमें इस मामले पर ध्यान देना होगा। पश्चिम क्षेत्र बनाया गया है बुराइयां खत्म करने के लिए। अब वो कछुआ भगवान बुराई की तरह ही है। अगर ये मामला और बढ़ा और ये बात महाराष्ट्र तक चली गई तो पूरे पश्चिम क्षेत्र को ही सजा दे देंगे। तब तक मैं आगे क्या खबरें दूं? ये मैं उसे खुद पकड़ूंगा अपने ही हाथों से। जी साहब। बकवास है। मैंने तुम सबको एक आदेश दिया था उन लोगों को मारने के लिए, और तुम लोग एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पकड़ पाए। अब देखो क्या हो रहा है। उसका बच्चा मरा नहीं, अब वही हमें परेशान कर रहा है। कछुआ भगवान हमारे लिए आ रहा है। साहब, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? हाँ, कैसा इत्तेफाक? ये लड़का हमें मारना चाहता है। मासी जाओ, देखो ये वो सारी जगह है जहां पर वो हूँ कुछ सालों से इन्हीं इलाके में घूम रहा है। मैं हर बार उसका पीछा करता हूँ लेकिन नाकामयाब रहता हूँ। तुम बड़े होशियार हो रहे हो और वो भी मेरे पीठ पीछे। हर दिन मेरे साथ रहकर भी मुझे पता नहीं कि तुम क्या करते हो। ये कैसे पता चला? तो मैंने उस वक्त ये कछुए का इस्तेमाल किया था मुंह की आंख पूरी तरह फोड़ने के लिए और वहां से भागने के लिए। मुझे तो लगा था कि वो अंधा हो गया। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तेल लेते वक्त मैंने दुकानदार से पूछा, सामान देते वक्त हर आदमी से पूछा, बाजार में लोगों से पूछा, और तो और मैंने लोगों से पूछा एक आदमी के लिए जिसे मार्शल आर्ट आता और वो अंधा है। मुझे उसके बारे में काफी जानकारी मिली, लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल है कि वो मिली हुई जानकारी सच्ची है या फिर वो झूठी है। मैंने इस नक्शे पर निशान भी बनाए हैं। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लगता है इन सालों में तुम कुंफू के अलावा काफी कुछ सीख गए हो। अब हम पश्चिमी क्षेत्र के सैनिक है, हमें उसे क्यों डरना चाहिए? तुम कितने ना समझ हो। जब हमने मुंह को मारा हम पश्चिम क्षेत्र के साथी बन गए, अच्छी जिंदगी पाकर अपना स्थान ऊंचा किया। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये बच्चा पश्चिम क्षेत्र से डरता ही नहीं है। अगर ये हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है तो हम पश्चिम क्षेत्र को धोखे में नहीं डाल सकते। हमें उस बच्चे को मारना ही होगा। इन सब की खबर सरकार तक नहीं जानी चाहिए और ना ही महल तक जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तुम जानते हो कि हम पर कितना बड़ा खतरा है। क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यीदे नाम क्यों दिया? पता है, ताकि मैं नफरत भूल जाऊं। मासी और मेरे सारे गुरु नहीं चाहते थे कि मैं नफरत की आग में जलता रहूं। नहीं, हमारी नहीं, तुम्हारे पिताजी की ये आखिरी इच्छा थी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना, ईमानदार और वफादार भी। तुम ये समझते हो, फिर आखिर तुम ऐसी चीजें क्यों करते हो? मासी जाओ,
क्या तुम जानती हो किसी को दिल से माफ करना क्या होता है? ऐसे एक बच्चे का सवाल था, उसने ये भी पूछा कि किसी को दिल से माफ कैसे करते हैं। उसका जवाब था कि माफ करने के बदले में उस पर दया करनी चाहिए, पर जब वो दया बदले में ना मिले तो क्या? तुम अब तक जो कर रहे हो, हर जगह कछुआ निकाल कर उससे तुम अपने आप को बेनकाब कर रहे हो। मैं ये सब बिना पछतावे के कर रहा हूं। अपने पिताजी से पूछो, और कुछ मायने नहीं रखता। क्या वो तुमसे सहमत होते? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, मैं बदला लेकर रहूंगा। मासी मुझे ये करने दो, हमें अभी क्या करना चाहिए साहब? ये तुमने किया है तो अब तुम ही इससे निपटो। बच्चे को मार दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तुम्हें किसी ने बचाया नहीं था, बचपन में ही मर चुके थे। मैंने तुम्हें नहीं बचाया। साहब, अरे बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे, ये क्या है? ये अरे क्या हुआ? चलो देखते। ये दे, शैतान के बच्चे, क्या तुमने फिर से मासी को परेशान किया? वापस जाओ उनके पास और माफी मांगो उनसे। जाओ, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, पर मासी को तुम्हें ही खुश करना होगा। जाओ। हाँ जाओ ना। मासी ने मुझ पर बहुत दया दिखाई है, मैं उन्हें वापस लौटाऊंगा जब मैं मेरा काम कर लूंगा। अगर मासी जाओ को मुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं कभी भी आपके एक इशारे पर आ जाऊंगा। मैं आपके लिए, आपके साथ हमेशा रहूंगा। गए तो वापस मत आना। आज के बाद से हमारा कोई वास्ता नहीं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? क्या सब लोग समझ गए? हम इसे नहीं जानते। निकल जाओ यहां से। आखिर चल क्या रहा है? हाँ तुम, अरे तुम लोग कुछ तो बोलो। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई तो कुछ बताओ। पापा, मुझे माफ कर देना, मुझे ये किसी भी हालत में करना होगा। माँ, मेरी रक्षा करना, हमेशा मेरे साथ रहना। साहब, हमें जाओ भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वो कभी था ही नहीं। मुझे लगता है शायद उसने अपना नाम बदल लिया हो। परेशान ना हो, शांत रहो। मेरे पास एक उपाय है उसे ढूंढने का।
कौन है? दरवाजा खोलो। हाँ आया। किसी को मार नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे शहर में ऐसे घटनाएं? मार डाला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको मार दिया। मत किसी गरीब के लिए ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। किसी की जान नहीं ले सकते। जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो। साहब, कल रात कछुआ देव ने लोगों को मार दिया। उसने पैसे लूटकर घर के सारे लोगों को मार दिया जो शहर में व्यापार करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं उसे जाने देना चाहता हूं? मुझे लगता नहीं है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा। तो तुम केवल संदेश के लिए हो? क्यों ना मैं ही तुम्हें वो चोर पकड़ कर देता हूं और सारी वाहवाही तुम लेकर जाओ। मैं समझ गया साहब। मैं जाकर लोगों को पकड़ता हूं जो शक के दायरे में है। अगर ये बात बाहर फैली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे तो पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा था। लगता है किसी को पता भी नहीं चला कि कछुआ भगवान हम ही थे, लोगों को उल्लू बनाया। जरा धीरे धीरे बोलो, किसी को भी शक ना होने पाए। हमें माफ कीजिए। अब जाओ, आज रात ज्यादा लोगों को मारो। देखते हैं ये छोटा लड़का कितना सहेगा। जी साहब। जो भी लोग शक के दायरे में है सबकी तलाशी लो। मैं एक से अच्छा सबको पकड़ता हूँ। जी साहब। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये क्या चल रहा है? हमें वो पैसा जमीन पर मिलो, ये सही नहीं है। हम कलाकार हैं, हम कुंग फू से लोगों का मनोरंजन करते हैं। ना उनकी क्या गलती है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो के लिए बनाया। छोड़ो मुझे। मासी, 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 गड़बड़ हो गई। इतनी जल्दी में क्यों हो? मरने वाले हो क्या? हम सबकी जान खतरे में है। शियाओडोजी, गौजी, जीजे, इन सबको जेल में डाल दिया। किस लिए? वही कछुआ वाले देव का मामला। वो लोग किसी को भी उठाकर जेल में डाल रहे हैं। जाओ डोशी, वो बेचारा पकड़ा गया जब वो जेन से अपने पैसे ले रहा था, फिर भी उसे उठाकर ले गए। उन्हीं ने बताया है जब हम लोग पैसे मांगने गए थे। क्या कछुआ देव गुस्सा हो गया? वो मसीहा से हत्यारा बन गया? ऐसा क्यों? रोना बंद करो। मैंने सुना कि पश्चिम की सेना हमें निकाल देगी। हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। जो होना था वो तो हो गया। सबने देखा है हमारा व्यापार अब अच्छा नहीं चल रहा। पश्चिम से हम पर दबाव है। हमने झावडोजी और डागोजी को खो दिया और शांजी को भी। तो आज से मैं तुम सबकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं बताना चाहती हूं कि झाओ अब रक्षक नहीं रही। ये सब क्या कह दिया? ऐसा तो नहीं होना। क्या हो रहा है भाई? हम काफी गंभीर स्थिति में हैं। जिन्हें कुंफू आता है वो सुरक्षित नहीं है। तुम सब अपने अपने गांव चले जाओ या कहीं और चले जाओ। वापस मत आना। जब तुम शहर के बाहर जाओगे, लेखपाल से तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह मिलेगी।
हमारे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं सब में बांट दूंगी। ये तुम्हारे भविष्य के लिए काम आएंगे। अब इतने ही बचे हैं। मासी आप ये क्या कर रही है? मासी जाओ। जो भी है सच है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आदत डाल लो। मासी जाओ, हम जाने के बाद आपका क्या होगा? मेरे साथ? हाँ, हम चले गए तो आप अकेले क्या करेंगी? आपकी उम्र हो रही है, रोजी रोटी के लिए क्या करोगी आप? मैं कई सालों से अकेले रह चुकी हूँ, तो अब मैं मेरे भविष्य के बारे में सोचूंगी। और अगर तुम लोग जाओगे नहीं तो मैं शादी कैसे करूंगी? लगता है आपने अपना साथीदार चुन लिया। कौन है ये आदमी? ठीक है, वक्त मत जाया करो, जाओ जाओ, चलो जाओ, सब लोग जाओ, जल्दी जाओ। हाँ चलो 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 चलो, निकलते हैं, चलो जाओ। आप शादी कर रही है और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ये कंगन के। तुम्हारा शुक्रिया, ये तुम अपने लिए रखो। गांव जाकर अपने लिए पत्नी ढूंढो और वहां एक अच्छी जिंदगी जीना। अगर मैं एक पत्नी ढूंढूंगा तो वो आपके जैसी होगी। तो चलो जाओ और उसकी खोज शुरू करो, जाओ, देर मत करना, मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मासी, ये हमारी तरफ से तोहफा, ये रहा। मासी जाओ, ये सब आपके लिए। मासी, बंद करो तुम लोग ये सब, खत्म नहीं हुआ है ये। जाते हो या मारू? जाओ चलो, जाओ, चले जाओ। जा रहे हैं। अलविदा। याद आएगी। उसे जाने मत देना। मैं इसे जानता हूं, जो वहां मौजूद था जहां मेरे माता पिता को मारा। क्या तुम मुतोंग के बेटे हो? बोल, बताओ बॉस हु कहां पर है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अपनी ताकत बचाओ, मेरे पास एक तरीका है। बॉस हूँ कहाँ पर है? जल्दी बताओ।
मैं नहीं जानता। और करो। और करो। ठीक है, मैं बताता हूँ, बताता हूँ। अगर मैंने बता दिया तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। साहब हूँ अब पश्चिम क्षेत्र के मालिक बन गए हैं। मालिक बन गए हैं तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? बता मुझे अब कहां पर है वो? बोल। मासी जाओ, आप मुझे अभी भी बदला लेने से रोक रही हैं। बदला? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ऐसे बेरहम इंसान को मारने के लिए, इसीलिए मैंने मारा। वो तुम्हारा नाम लेकर अनजानों को मार रहा था। वो यही चाहता था कि तुम उसके पास आओ। ये एक चाल थी। उसने तुम्हें बताया कि बॉस कहाँ है। वो डर नहीं रहा, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम खुद उसके पास जाओ। लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रख के नहीं रह सकता, और अगर मैं अभी रुक गया ना तो मैं कभी बदला नहीं ले पाऊंगा। बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं भी साथ चलूंगी। मासी जाओ, आप क्यों आ रही है मेरे साथ? मैं और तुम्हारे पिताजी एक साथ बड़े हुए और एक साथ सीखे। भले मैं उनके साथ मरी नहीं, लेकिन हम एक परिवार है, तो मैं उनके लिए बदला क्यों ना लूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आपका आना ये काफी खतरनाक रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जान को खतरा हो जाए। मैं नहीं मानता। तुम ऐसा नहीं सोच सकते। मैंने पहले भी सैनिकों को हराया है और पश्चिम में लोगों को जेल में डाला है। ये मैं मेरे लिए कर रही हूं। क्या कहा? पश्चिम क्षेत्र की सेना अब कछुआ देव के मामले में लोगों को अंदर डाल रही है जो कुंफू जानते हैं। मेरे दो आदमी भी पकड़े गए और शांजी भी। मैंने सबको रिहा कर दिया है और उन्हें घर जाने के लिए कहा है। काश वो सही सलामत घर पहुंच जाए। बाहर अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये कैसे हो गया? मैंने सबकी जान मुसीबत में डाल दी। मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, दिल से माफ करो या आंख के बदले आंख। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि हर चीज की कीमत होती है और वो चुकानी पड़ती है। अब हम एक मुसीबत में फंसे हैं, तो क्या तुम तैयार हो? मासी जाओ, चिंता मत करना, मुझे यकीन है मैं सबको बचा लूंगा और इस कहानी को खत्म कर दूंगा। पागल लड़का, अब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। जैसा हम सोचते हैं। साहब आपने सही कहा था, कछुआ भगवान ही मूषा उपाय है। क्या तुमने उसे देखा? मुझे पता है, मैंने उसका पीछा किया। मूषा उपाय अकेला नहीं है, और तो और उसके साथ एक मार्शल आर्ट्स का धुरंधर भी है। उन्होंने एरजीव को पकड़ा है। मैंने उनका पीछा किया चुपके से, और तो और मैंने उनकी धीरे से बातें भी सुन ली। कहाँ है वो जगह? शहर के दक्षिण भाग में। तो वो चिलगुजा वहां छिप कर बैठा है। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने ये भी सुना कि वो दोनों साथ मिलकर आपका बदला लेने वाले हैं। बदला? अगले जन्म में, इस जन्म में मैं उन्हें नरक की सैर कराता हूं। शिसैन जी, तुम जाओ और जाओ के शहर को तबाह करो, मिट्टी में मिला दो। जी साहब। छोड़ दो, कुछ नहीं किया।
खबर, साहब ने एक सेना की टुकड़ी लाई है भारी तादाद में। उन्होंने कहा कि उन्हें कछुआ देव मिल गया है और उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। उनको मिल गया साहब? हमें कछुआ देव मिल गया है तो क्या हम ये लोगों की जरूरत है? पता करो, अगर जो मिला है वो असली नहीं हुआ तो उसका इल्जाम कौन लेगा? जी साहब। खबर है, खबर, बाहर एक आदमी खड़ा है जो कह रहा है कि वो कछुआ भगवान है। क्या क्या दिन है, एक के बाद एक मिल रहे हैं। चलो देखते हैं। जिसने कछुआ देव बनकर लोगों की जान ली वो ये रहा, और जिसने अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटा वो भी यहीं पर है। अब ये तुम्हारे हाथों में, मैं कहता हूं उन लोगों को छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उन्हें छोड़ो, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, छोड़ो ना। तुम कितने मजाक किया हो, ऐसा कह रहे हो तुम असली हो। मुझे अपने साहब के पास ले चलो, फिर पता चलेगा। अब तुम यहां आ ही गए हो, मालिक का इंतजार कर सकते हो कैद खाने में, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। पकड़ो इसे। छोड़ दो, छोड़ो उन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, देख क्या रहे हो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो उन्हें। आ जाओ, आ जाओ, चलते हैं कि बच गए। अब सुनो, तुम मुझे अपने साहब के पास ले चलो इसी वक्त। साहब तो असली कछुए देव को पकड़ने गए हैं। मैं हूं असली कछुआ देव। जी तुम असली हो, तुम असली हो, पर सुना है जो पकड़ा गया है वही असली है, तो तुम में से असली कौन है? क्या कहा? सब बच्चों की जान बख्श दो तो तुम बच जाओगी। तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। पकड़ो उसे। मासी जाओ, आ
मासी जाओ। मासी जाओ। मासी जाओ। मासी जाओ। मासी जाओ। क्या हुआ आपको? मासी जाओ। मेरी उम्र हो गई है। मैंने सोचा मैं पहले जैसी ही हूं। मासी जाओ, मैं आपको हकीम के पास ले चलता हूं। चलो। मुझ में अब हिलने की ताकत नहीं। मेरी आखिरी सांस मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी। हाँ हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। बॉस हूं कि एक आंख नहीं है, अंधा है वो, उड़ा भी है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं। उसके सिपाही बहुत है, वो लोग मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। शिजान से संभाल कर रहना, वो कुंफू में अच्छा है। मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे पिताजी से शादी क्यों नहीं की? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उम्र में छोटी थी। परिवार का बदला लेना चाहती थी। मैं कातिल को ढूंढने निकली, बहुत ढूंढा और लौट आई, पर मैंने सब कुछ खोया। तुम्हारे पापा तुम्हारी मां के साथ थे। तो आपने मुझे रोका क्योंकि मुझ पर वो ना बीते जो आप पर बीती थी। मुझे कोई अफसोस नहीं, और मैं जानती हूं कि तुम्हें मनाना नामुमकिन है। रोना मत तुम। यहां कुछ भी सही नहीं और गलत भी नहीं। एक बार अगर तुम तय कर लो तो तुम खत्म कर दो। मासी साहब, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने तुम्हें इतने साल दूर रखा, बहुत भोले हो बॉस हू के सामने के लिए। बदले की आग में जलकर कोई गलत कदम मत उठाना। कुछ भी करने से पहले तुम ठीक से सोचना। उससे जीतने के लिए मासी साहब, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी तुम्हारे पापा के लिए, पर मैं बस मासी जाओ, उठ जाओ।
उठ जाओ मासी साहब, उठ जाओ। पापा, माँ और मासी जाओ, आज मैं मूशाओ बाय आज हु को जान से मार देने के लिए मैं जा रहा हूं, बदला लेने के लिए। साहब, तुमने जो बोया है वही तुम्हें मिलेगा। इसी वक्त श्यांग लू मंदिर की तरफ आओ। वो शोभा है, वो बेवकूफ खुद चला आया है मरने के लिए। श्यांग लू मंदिर जैनन शहर के तानियन पहाड़ी पर है, पगोड़ा की तरह लगता है और उसके तीनों तरफ खाई है। ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक जगह है और छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तैयार हो जाओ, हम वहीं चलेंगे। वो धोखा हो सकता है, ये उनका इलाका है। किस बात का धोखा? हमारे पास भी अच्छे मार्शल आर्ट्स करने वाले लोग हैं, वो सब संभाल लेंगे, तो फिर हमें किस बात का डर? चलो इसे खत्म करते हैं। ठीक है, अब और देर नहीं करते हैं, अभी चलना चाहिए। जरूर। तो जल्दी करो। जी। हम यहाँ ज्यागलू मंदिर पर हैं, महान कछुआ देव को हराने के लिए। उसे पकड़ो जिंदा या मुर्दा, जो भी यहाँ जीतेगा वही महाराज बनेगा। जी। चलो। साहब, हमने मंदिर के हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुंह शाओ भाई कहीं नहीं है। उसे ढूंढते समय मुझे लकड़ी का कछुआ मिला, इसके ऊपर खून लगा है, मतलब वो यहीं कहीं पर है। उस कछुआ देव को लुका छिपी खेलना बहुत पसंद है और खेल को भी रोमांचक बनाना। कछुआ देव कभी भी आ सकता है। तैयार हो जाओ। वो वहां रहा साहब, मैं जाकर देखता हूं। मार दो उसे। मैं जाता हूं और उसे घेर लेता हूं। चलो। चलो।
मासी 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 मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, हो गया ना? मासी और यीदे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? उन्हें हमसे पंगा लेने में डर लगना ही चाहिए। अब हम क्या करें? वो दोनों तो गए। सिर्फ दो ही जगह है जहां यीदे जा सकता है, एक जाओ की सेना में और दूसरा वो पहाड़ जहां पर शिक्षा मिली, जंगलू मंदिर। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, चलो, 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 हमने उसे कमजोर समझा पर ये तो ताकतवर है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है। आज अगर तुम उस लड़के को नहीं मारते हो तो मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सबको। जी, जी साहब। बहुत सालों से मैंने तुम्हें कई बार जाने दिया पर अब समय आ गया है तुम्हें मारने का। ये तो उड़ते जूते हैं। तुम लोग यहां पर क्यों आए? चलो चलो जल्दी चलो, यहां से निकलो। चलो हाँ निकलो, चलो जल्दी जल्दी आओ। जल्दी ये लो। हम यहां पर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। मासी कहाँ है? मुझे माफ कर देना, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं उन्हें मार डालूंगा। चलो अबे कितने लोग हैं? सिर्फ हम ही बचे। क्या मैं वहां पर जाके और लोगों को ले आऊं? क्या लेकर आओगे? जाओ उस बच्चे को मार डालो वरना तुम्हें मारना पड़ेगा। समझ गया। भाइयों अपनी मासी का बदला लेते हैं। इतने साल बिछड़ने के बाद तुम अपने पापा जैसे ही दिखते हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह जब वो जवान थे। मैं पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा इस दिन के लिए। आज मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, मेरे माँ बाप मासी का बदला पूरा कर लूंगा। इस दुनिया में ये तुम्हारा आखिरी दिन है। अफसोस कि तुमने अपनी जिंदगी नफरत में बिताई, बेवकूफ। मैंने तो मेरी जिंदगी अभी शुरू की है, लेकिन तुम्हारे लिए वो आज खत्म होने वाली है। खत्म? हाँ
तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं मर भी गया क्या तुम अकेला नहीं महसूस करोगे? क्या तुम जानते हो तुम्हारा नाम यीडे क्यों रखा? मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि मैं नफरत की आग में जलता रहूं। अपने पिताजी से पूछो क्या वो तुमसे सहमत होते। एक बात याद रखना कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमेशा ताकतवर रहना। पापा माँ और मासी जाओ, मैंने बदला ले लिया। मुशाबाई ने कर दिखाया, उसने कर दिखाया। मासी जाओ, पश्चिम क्षेत्र से सरकार को निकाल दिया गया है। जहनन शहर अब आजाद है उन बुरे लोगों से। ईडे ने तुम्हारी बात सुनी पर मैंने वो को नहीं मारा। सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, शायद इसे ही दिल से माफ करना कहते हैं। और एक बात, सब लोग वापस आ गए हैं और वो लोग एक साथ रहना चाहते हैं। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि लड़ाई करके कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अमीर को लूट कर हम लोग गरीब की मदद जरूर कर सकते हैं। हाँ, हमें आपका सिखाने का तरीका सही ढंग से आजमाना चाहिए। हम लोग सैनिकों में जागरूकता लाएंगे कि लोगों की रक्षा ही अहम है और यही आगे सिखाएंगे। लोगों की रक्षा, लोगों की घरों की रक्षा। हम सुरक्षा करेंगे। मासी जाओ, तुम्हें क्या लगता है कैसा रहेगा जाओ की सेना? ये नाम कैसा है? मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसे वही बुलाना चाहिए जो इसे पहले ही कहते थे। मुझे वो पसंद नहीं है, वो कितना पुराना हो गया है। मुझे लगता है सेना ही ठीक है। नए नामों से घर नहीं चलने वाला। मुझे अच्छे लगते हैं पुराने नाम। क्या कहते हो? सौ रक्षक सेना, जाओ पश्चिम क्षेत्र, जाओ जाओ सेना। पश्चिम क्षेत्र। इडे, हम इसे क्या बुलाएं? तुम्हें क्या लगता है? कुछ भी चलेगा। हम जब तक साथ हैं सब ठीक ही होगा।先是无
心折磨，泪水填满了喉，爱人就停住在两岸。爱恨都已被放逐，牵你的手被禁锁，只有心在呼喊着，只有梦在牵引着，爱恨都已成传说，只剩心中那座桥，刻下你的纹路流传百年。爱恨都已被放逐，牵你的手被紧锁，只有心在呼喊着，只有梦在牵引着，爱恨都成传说，只剩心中那座桥，刻下你的纹路流传百年。爱恨都已被放逐，牵你的手被紧锁，只有心在呼喊着，只有梦在牵引着，爱恨都已成传说，只剩心中那座桥，刻下你的纹路流传百年，刻下你。